एल्गोरिथम ये देखा मैंने भाई साहब, मेरे खिलाफ जो भी नेगेटिविटी में डालोगे साड़ा वो वायरल, बड़े बड़े न्यूज चैनल भाई, टाइम्स ना हो भाई, टाइम्स ना हो साड़ा, खा जाऊंगा तो मैं तेरे ओनर को। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एल्विश यादव और उनके दोस्त राघव शर्मा के साथ कैसे जम्मू में हाथापाई हो गई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि एल्विश यादव की इस वायरल वीडियो पर कुछ न्यूज चैनल्स ने एल्विश के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई, जिस पर अब एल्विश ने रिप्लाई दिया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में इस पर ये बोला, एल्गोरिथम ये देखा मैंने भाई साहब, मेरे खिलाफ जो भी नेगेटिविटी में डालोगे साड़ा वो वायरल, पर जो फेक न्यूज वाली सिस्टम है ना ये भी। अभी भाई जो लोग पूछ रहे हैं भाई, एक चीज तुमने न्यूज सुनी होगी, जम्मू में एल्विश भाई खेल लिए जम्मू में। मैं बताता हूँ व्हाट इज एक्चुअल रियलिटी बिहाइंड दैट, जो कि बहुत कम लोगों को पता है और जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल भाई, टाइम्स ना हो भाई, टाइम्स ना हो साड़ा, खा जाऊंगा तो मैं तेरे ओनर को, ठीक है ना, टाइम्स ना हो। उन्हें डाल रखी है एल्विश यादव और राघव शर्मा ऑलमोस्ट गॉट बीटन। अच्छा और मेरी कमर पर नील के निशान, और भाई मेरे हंटर भी टिके होंगे, मेरे गोली मारी होगी पैर में किसी ने। दोस्तों आपको पता ही होगा कि एल्विश अपने पेरेंट्स के साथ मजाक मस्ती करते रहते हैं, खासकर अपनी मम्मी के साथ, जिस पर कुछ लोगों ने उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और उनको उल्टा सीधा बोला, जिस पर एल्विश यादव ने रिप्लाई देते हुए ये कहा, मुझे ये वाली बात मतलब ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी जनता है जो ये गाली गुली गलौज करने आ रही है पेरेंट्स के ऊपर कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दया आती है ऐसे लोगों पर, और ये सोचता हूँ मैं कि भाई उनके घर वाले उनको कैसे ट्रीट करते होंगे जो अपने घर वालों से फ्रेंड वाला बॉन्ड भी नहीं रख पा रहे। हमारे में बोलते हैं कि भाई जब बाप का जूता फिटाने लग जाए लड़के के तो दे आर फ्रेंड्स। और हम हैं भाई, मैं अपनी मम्मी के साथ भी दोस्त हूँ, मैं अपने पापा के साथ भी दोस्त हूँ भाई, और हम उसी हिसाब का बॉन्ड शेयर करते हैं और खुश रहते हैं, मजाक मस्ती भी करते हैं। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।